प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित प्लस वन, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था स्थिति और विस्तार का। कुछ सामान्य जानकारी हमने देखी थी भारत के संदर्भ में स्थिति और विस्तार के अंतर्गत। अब हम कुछ और जानकारियाँ हमारी शेष रह गई थी उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, इसके क्षेत्रफल के बारे में देखा था, विश्व की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखा था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखिए, वर्तमान दृष्टि से देखें तो भारत में कुल राज्य कितने हैं। कुल राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो कुल केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान दृष्टि से कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। नंबर एक, देखिए हाल ही में क्या किया है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर ये पहले राज्य था, इसको क्या कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया है और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। एक बनाया है लद्दाख और दूसरा बनाया है जम्मू कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेश इस राज्य को डिवाइड करके बना दिए। उसके बाद में तीसरा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चौथा है इसी के समीप दिल्ली। चार, उसके बाद में ये द्वीप हैं। ये लक्षद्वीप और इधर वाला ये अंडमान निकोबार। अब देखिए, ये जो जलीय क्षेत्र हैं, ये जलीय क्षेत्र क्या हैं, अरब सागर, और इधर भी जलीय क्षेत्र हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो जलीय क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कहलाता है हिंद महासागर। तो तीन ओर से क्या लग रहा है, जल लग रहा है, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, नीचे वाला क्षेत्र। सातवां है, देखिए ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अलग अलग जगह में विस्तृत हैं। इसके कुल चार जगह पाई जाती है, कौन सा है,
पुडुचेरी। पुडुचेरी की चार जगह हैं, चार क्षेत्र हैं और इन चार क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। चारों क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं, इसको बोलते हैं, ये है एक नंबर, दो, तीन और चार। एक नंबर वाला है माहे, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, माहे, और कहाँ है, केरल में। दूसरा जो क्षेत्र है ये है यहाँ पर, ये ऊपरी क्षेत्र सबसे पहले, ये है यनम, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तीसरा जो क्षेत्र है ये है पुडुचेरी, कहाँ है, तमिलनाडु में। चौथा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है कराईकल, ये कहाँ है, तमिलनाडु। ये चारों क्षेत्र क्या कहलाते हैं, पुडुचेरी कहलाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत हैं। इन चार जगहों को एक नाम से संबोधित करते हैं, कौन से, पुडुचेरी के नाम से। आठवां, यहां पर पहले क्या थे, दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव प्लस दादरा नगर हवेली। इस केंद्र शासित प्रदेश को, यहां जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे महाराष्ट्र के समीप, इसमें रिसेंटली क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, इन दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। लगभग 26 जनवरी 2020 की बात है, तो उस समय क्या किया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, भारत के आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टेट की बात करेंगे, देखिए राज्य कौन कौन से राज्य हैं, देखिए यहां बात करते हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे उत्तराखंड, यहां बात करते हैं पंजाब पीपी, फिर हम बात करते हैं इससे आगे हरियाणा, ये है अपना राजस्थान, ये गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र, और इसी के समीप एक क्षेत्र है, एक राज्य है गोवा, ये है आपका कर्नाटक, ये है केरल, इधर है तमिलनाडु, ये है इधर आंतरिक भाग की बात करेंगे तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, फिर हम बात करेंगे आगे ओडिशा, फिर यहाँ बात करते हैं WD वेस्ट बंगाल, आंतरिक की बात करते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये बिहार, यहाँ यूपी, और ये क्या है MP। अब इस साइड में चलेंगे, यहाँ मेघालय, यहाँ आसाम, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, और ये त्रिपुरा, ये एक, और ये सिक्किम। ये भारत में कुल 28 राज्य हैं और ये हैं आपके आठ केंद्र शासित प्रदेश। ये हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत
दो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, वो दो महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए यहां से इस प्रकार एक रेखा गुजरती है, ये थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है आपको, लेकिन ये बिल्कुल गोलाई में है, सीधी है। कितने नंबर की? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको क्या कहते हैं याद आपको, कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने राज्यों से गुजरती हैं? ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई सड़क नहीं है, कोई पटरी नहीं है, कोई लाइन नहीं है ऐसी, ये सिर्फ काल्पनिक है। तो ये काल्पनिक रेखा जो अक्षांश है, ये कितने राज्यों से गुजरती हैं याद रखना, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं देखिए, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा, और लास्ट 8वां मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती हैं कर्क रेखा, और ये बिल्कुल सीक्वेंस है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आता है ये, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश MP, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है आपका पश्चिमी बंगाल, और फिर आगे ये समुद्री भाग की बात करेंगे, आगे समुद्री भाग आ जाता है, उससे आगे क्या है, दो हैं यहाँ, त्रिपुरा है, और यहाँ क्या है, मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। इसके अलावा एक रेखा है ये, अब ये तो हो गई अक्षांश, ये क्या होगी, दिशांतर। कितने नंबर की दिशांतर? 82.5 डिग्री ई पूर्वी दिशांतर। क्या है? पूर्वी दिशांतर है 82.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर है, ये क्यों खींची गई है? देखिए इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की बात करेंगे, लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आता है, और याद रखना 1 डिग्री से दूसरी डिग्री की ओर जाएंगे, 1 डिग्री से 2 नंबर डिग्री पे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो 10 बजे हैं, तो यहाँ पर समय होगा 10:04। एक नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूँ, बाकी हम देखेंगे जो समय होता है वो कैसे निकलता है। देखिए कितने मिनट का अंतर आया, 4 मिनट का अंतर आया, 1 डिग्री को पार करेंगे कितने मिनट का, 4 का, 30 डिग्री का अंतर यहाँ से यहाँ तक, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 30 लगभग 30 डिग्री का अंतर कितना हो गया, 30 को मल्टीपल कीजिए 4 से, क्या होगा, 120 मिनट निकलेंगे, और 120 मिनट में 2 घंटे। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि 2 घंटे का अंतर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इसलिए इस अंतर को कम करने के लिए क्या किया है, एक मानक समय रेखा मान ली है, और ये मानक समय रेखा कितनी है, 82.5। और ये कहाँ से गुजरती है, इसका एक मूल स्थान माना गया है, जैसे जो 0 डिग्री दिशांतर है विश्व की मानक समय रेखा जिसको ग्रीनविच कहा गया, वो कहाँ से, लंदन से गुजरती हैं। उसी प्रकार ये क्या है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी एक छोटा सा क्षेत्र है नैनी। तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में नैनी नामक स्थान से कौन सी रेखा गुजरती हैं 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड
टाइम। अब देखिए ये मानक समय रेखा भी हमने बात की देशांतर की, कुल देशांतर 360 है। अब मानक समय रेखा क्या 80 पर खींच सकते हैं, क्या 75 पर खींच सकते हैं, क्या 72 पर खींच सकते हैं? देखिए इसका एक निर्धारित तथ्य है कि प्रत्येक 7.5 डिग्री के बाद में आप एक मानक समय रेखा खींच सकते हो, याद रखना प्रत्येक 7.5 डिग्री के बाद में। लेकिन ये जो 82.5 डिग्री है ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री का अंतर मिलेगा, इधर जाएंगे तो कितने का मिलेगा, 15। इसलिए हमने क्या डिसाइड किया है, 82.5 को डिसाइड किया है ताकि दोनों का अंतर क्या रहे, इक्वल रहे। इसलिए हमने 82.5 को निर्धारित किया है। और ये जो 82.5 की रेखा है, ये 82.5 की रेखा कितने राज्यों से गुजरती हैं, याद रखना ये गुजरती हैं 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से, ये गुजरती हैं 5 राज्यों से। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से क्या है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे आपको अलग अलग स्टेट या कोई भी अन्य चीज़ याद करने में आपको मुश्किल लगती है, बड़ी हार्ड लगती है, आप उसको एक ट्रिक के माध्यम से आसान बना सकते हो। और ये नहीं कि आपका लेसन था आपका 4 पेज का और ट्रिक हो जाए 5 पेज में, क्योंकि आपने सारी की सारी ट्रिक ही बना दी, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ट्रिक उसी चीज़ की बनती है जो ज़्यादा कंजेस्टिव होती है, ज़्यादा हार्ड होती है, अन्यथा ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक पॉसिबल है आप अपने हिसाब से याद कीजिए उसको। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे ट्रिक बनाते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश है, इसको यूपी कहें। अब देखिए एक ट्रिक बना के देता हूँ आपको, यूपी में छत उड़ गई, किसी ने मेरे से कहा यूपी में छत उड़ गई, मैंने उससे कहा किससे उड़ गई, उसने कहा जी आंधी से उड़ गई। क्या उड़ गई, आंधी से उड़ गई। अब देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश, छत छत्तीसगढ़, उड़ ओडिशा और आंधी आंध्र प्रदेश, 500 राज्यों के नाम इस एक सेंटेंस में आ गए हैं। यूपी में छत उड़ गई, सामने वाले ने बताया किससे, आंधी से उड़ गई। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों के नाम हैं। अब इसके अलावा स्थलीय और जलीय सीमा की बात करें, यहाँ से आगे क्या है जलीय भाग है और इससे आगे क्या है जलीय भाग, ऊपरी क्षेत्र क्या है स्थल है, तो इसके समीप विभिन्न देशों की सीमा लगती है। उन देशों की बात करेंगे हम कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा लगती है। देखिए यहाँ पर लगती हैं, उत्तर पश्चिम की बात करेंगे हम, पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के, ऊपर की बात करेंगे अफगानिस्तान, इधर बात करेंगे हम चीन। और ये जो क्षेत्र आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसको मैं ऐसे मिला दूं तो ये जो क्षेत्र बनेगा ये किसका बनेगा, नेपाल का बनेगा।
और बीच में आ गए सिक्किम, सिक्किम से आगे एक स्पेस दे रखा है इस प्रकार से, मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या कहलाता है, भूटान देश। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे म्यांमार, और फिर यहाँ मध्य में आपको एक स्पेस दिखाई देगा, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। तो ये देशों की सीमा लगती हैं, सात देशों की सीमा लगती है। ठीक है, पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, लेकिन इसकी सीमा नहीं लगती है। ये किसके द्वारा, मन्नार की खाड़ी, वो है पाक जल संधि। कई बार पूछा जाता है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, तो आपका दिमाग जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसा नहीं है। किसके मध्य है, भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी स्थित है, याद रखना। और सर्वाधिक जो सीमा लगती है भारत के, कौन से देश की, बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर। न्यू अपडेट के अंतर्गत आपको 109 किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 3310 किलोमीटर। चीन की बात करेंगे लगभग 3500 किलोमीटर इस प्रकार से। नेपाल की बात करेंगे 1752 किलोमीटर, इसकी बात करेंगे 587 किलोमीटर, म्यांमार की बात करेंगे 1458 किलोमीटर। ये आपको मैक्सिमम इतना याद रखना है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान सर्वाधिक कहाँ है, बांग्लादेश की, और ये अफगानिस्तान की। तो इस प्रकार से हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखा है, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में देखा है, और इसके बाद में हम आगे जो भौतिक प्रदेश आएंगे इसके उसके बारे में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।